एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सरमत सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास टेंथ का चैप्टर वन ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो चैप्टर है ये मैं आधा आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसमें हमने दो टॉपिक्स कवर करे थे एंड आज हम अपना थर्ड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 to 1848। तो जो लास्ट वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से जाके आप जो लास्ट वीडियो है वो पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। तो हमारा थर्ड टॉपिक शुरू होता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1830 to 1848। जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जागने लगी थी, और वो फीलिंग किसने जगाई थी? मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास मतलब जो एजुकेटेड लोग थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टीचर्स, क्लर्क्स, डॉक्टर्स, ये जो एक क्लास नई इमर्ज हुई थी, इन्होंने लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जगाई थी। यानी कि एक तो लिबर मतलब फ्री होना, और एक अपना नेशन बनाना यानी कि अपने देश के लिए प्यार करना और देश का एक अलग बना लेना अपने देश को, जिसका अपना कल्चर हो, अपनी लैंग्वेज हो और अपना ट्रेडिशन हो। तो दिस वॉज लिबरल नेशनलिज्म। तो 1830 से 1848 में दो आइडियाज निकले, मैंने यहाँ लिखा हुआ लिबरल नेशनलिज्म, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो था, जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने ये सोचा कि हम जो ये लिबरल नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसको हर जगह स्प्रेड करेंगे, एंड ये स्प्रेड होने लग गया इटली में, जर्मन स्टेट्स में, आयरलैंड में और पोलैंड में भी, एंड जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो इसको बढ़ावा दे रहे थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी 1850 में नेपोलियन बोनापार्ट की डिफीट के बाद, एंड उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को कॉन्कर कर लिया था। फ्रेंच में फिर से बर्बन डायनेस्टी का, यानी कि बर्बन जो लुइस सिक्स थे, 16 थे, जिनको हटा दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, उसका रूल फिर से आ गया था। तो 1830 में दो रेवोल्यूशन हमें याद रखने हैं जो इस टॉपिक के अंदर हमारे आते हैं, एक है जुलाई रेवोल्यूशन और एक है ग्रीक रेवोल्यूशन। तो जुलाई रेवोल्यूशन शुरू होता है फ्रांस के अंदर, तो हम पढ़ते हैं जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ। जुलाई रेवोल्यूशन में जो बर्बन किंग था उसको वो ओवरथ्रो कर देते हैं। आपको पूरी कहानी नहीं बताइए कैसे हुआ क्या हुआ, बहुत नेशनलिस्ट स्ट्रगल हुआ, एंड एट दी एंड जो बर्बन किंग, जिसको दोबारा से ले आई थी ट्रीटी ऑफ वियना, उसको हटा देते हैं, और क्या लग जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि राजा का राज तो रहेगा पर वो जो भी करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा, एंड हेड बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का लुइस फिलिपी को। ठीक है, और रेवोल्यूशन उसके बाद हमारी बुक में हमें बताया है कि जब कुछ भी फ्रांस में होते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल द यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड लग जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ रेवोल्यूशन अगर फ्रांस में शुरू हुआ है तो वो पूरे के पूरे यूरोप में भी उसका जो इफेक्ट है वो होता है, एंड सब उसी टाइप का स्ट्रगल करने लगते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रगल है हमारा ब्रुसेल्स के अंदर जो हुआ था। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल है। आपने जो सिविक्स का चैप्टर बनता पावर शेयरिंग, उसमें बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। तो ब्रुसेल्स तो था जो बेल्जियम की कैपिटल था, वहाँ पे रेवोल्यूशन स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि उन्हें अलग होना था, यानी कि उन्हें अलग होना था किससे? यूके ऑफ नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। मैंने आपको बताया था पहले कोई स्टेट नहीं थी, बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से बेल्जियम को अलग होना था, तो इसलिए ब्रुसेल्स पे रेवोल्यूशन शुरू हुआ, एंड एज अ रिजल्ट काफी रेवोल्यूशन उन्होंने करा। जो बेल्जियम था वो ब्रोक अवे हो जाता है किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स से। ये भी किसमें हुआ? 1830 में। सो दिस इज नोन एज अ जुलाई रेवोल्यूशन। अब हम आ जाते हैं अपना सेकेंड जो था 1830 में, जो दूसरा रेवोल्यूशन हुआ था वो था ग्रीक रेवोल्यूशन। आपकी बुक में जो पूरा मैप दे रखा है सेकेंड थर्ड पेज पे, उस पर दिखाया हुआ है कि यूरोप के अंदर कैसे कैसे एम्पायर्स बने हुए थे। तो एक एम्पायर का नाम था ऑटोमन टर्की एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर टर्की भी आता था और उसके अंदर ग्रीक भी थे, बहुत सारी कंट्रीज जो थी आज के टाइम की वो ऑटोमन एम्पायर में आते थे। अब जब सब आज़ादी मांग रहे थे तो ऑटोमन वालों को भी लग गई यार हमें भी आज़ाद कर दो। तो वहाँ पे शुरू हुआ क्या स्ट्रगल। कब शुरू हुआ ये? 1821 में वहाँ का स्ट्रगल शुरू हो गया। इस स्ट्रगल को अब वो जो ऑटोमन के लोग थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, तो उनके स्ट्रगल में उनकी हेल्प करी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, यानी कि ब्रिटिश, फ्रांस, इन सब लोगों ने इनकी मदद करी, एंड बहुत सारे पोएट्स, आर्टिस्ट, इन्होंने भी मदद करी किसकी? ऑटोमन एम्पायर को फ्री होने में। तो उनकी मदद से 1832 में
ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुई। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इसका नाम इसलिए क्योंकि ग्रीक की एक जगह है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपोल और ये किसी ग्रीक लीडर के ऊपर जगह है, तो इसलिए ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल साइन हुई 1832 में। एंड उसके बाद जो ग्रीक था वो इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है 1832 में, ग्रीक ऑटोमन एम्पायर से हटके एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है जिसे आज की तारीख में हम ग्रीस बोलते हैं। तो ये था हमारा ग्रीक रेवोल्यूशन। तो आपने दो रेवोल्यूशन पढ़ लिए अपने एज ऑफ रेवोल्यूशन के। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन और पॉइंट वन का द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो अभी हम इसमें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रोमांस नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे अपने देश के लिए जब प्यार लोगों का जागा, नेशनलिज्म की फीलिंग जब जागी तो उसको कहा गया है रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो नेशनल फीलिंग कैसे जगी, क्या वो वॉर और ट्रीटीज साइन करके जगी या फिर बाउंड्रीज के लिए लड़के जगी? नहीं, जो नेशनलिज्म देशभक्ति की फीलिंग तब जगी जब कल्चर और इमोशन को साथ में जोड़ा गया। कल्चर, हम सबका एक अपना कल्चर होता है, जैसे कि इंडिया में इतने सारे डाइवर्स कल्चर हैं, हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर से इमोशनली अटैच होते हैं। हर एक हिंदू जो है, पंजाबी जो है, तो वो सब अपने कल्चर से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। अगर कल्चर पे कोई बात आ जाए तो वो एकदम से जागरूक हो जाते हैं। तो वॉर और बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर यूनाइट नहीं करा गया नेशनलिज्म फीलिंग को, कल्चर्स को बीच में लाया गया एंड लोगों के बीच में नेशनलिज्म फीलिंग जगाई गई। तो रोमांटिसिज्म मतलब क्या होता है? अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट। कल्चर को यूज करके जब इंसान के दिल में नेशनलिज्म देशभक्ति जगाते हैं तो उसे कहते हैं रोमांटिसिज्म। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉनन गॉटफायर्ड। जॉनन गॉटफायर्ड, बहुत इजी सा नाम है ये। तो इन्होंने क्या करा था, कल्चरल नेशनलिज्म मतलब रोमांटिसिज्म बढ़ाने का काम इन्होंने करा था। कैसे करा था? ये फोक सॉन्ग्स गाते थे, फोक कल्चर को प्रमोट करते थे, जिस कंट्री में जाते थे, जिस एम्पायर में जाते थे, जर्मनी जाएंगे तो वहाँ के फोक सॉन्ग्स गाते थे, इटली जाएंगे तो वहाँ के फोक सॉन्ग्स गाते थे, फ्रांस जाएंगे तो वहाँ के फोक सॉन्ग्स गाते थे, जिससे कि लोगों के अंदर उनकी जो देशभक्ति वाली फीलिंग है वो जाग जाए। जैसे कि आप देखो पंजाबी का, अगर कोई पंजाबी गाना चल जाएगा तो सबका भांगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से कल्चर वाली जो फीलिंग होती है उसको जगाया किसने? जॉनन गॉटफायर्ड ने। एंड इससे बहुत हेल्प हुआ, जब लोगों के अंदर कोई मोटिवेशन चाहिए होती है तो वो मोटिवेशन उनको उनके कल्चर से मिली। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका केस है वो है पोलैंड का केस, ये इसी टॉपिक का केस है। तो पोलैंड, मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन चार ग्रेट पावर्स थी, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना में रशिया को क्या मिल गया था? पोलैंड, अगर आपको याद हो तो। तो 1815 में पोलैंड का जो है राज होता है वो रशिया को मिल जाता है। तो रशिया क्या करता है, पोलैंड के अंदर से पोलिश लैंग्वेज वहां बोली जाती है उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है, एंड वहां पे रशियन लैंग्वेज लगा देता है। वहां के स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह पे रशियन लैंग्वेज लगा देता है। अब लोग, आप सोचो कोई आपको, आप हिंदी बोलते हो जब से पैदा हुए हो और आपको बोले कोई हिंदी की जगह तुम्हें फ्रेंच बोलनी है, तो तुम कैसे उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो? तो ऐसे ही पोलिश पीपल के साथ भी हुआ। उन्होंने 1831 में एक स्ट्रगल शुरू कर दिया, स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन। उन्होंने कहा कि अब हम रशिया के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, हमें रशिया, हमें छोड़ो और हमें आजाद कर दो। ठीक है, तो स्ट्रगल तो उन्होंने स्टार्ट करा, बट जैसे कि हर जगहों पे स्ट्रगल सक्सेसफुल हुआ, उनका स्ट्रगल जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनकी आवाज़ को दबा दिया रशिया ने। क्यों? क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी एंड वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी, तो उसको खिलाफ लड़ना उनके लिए आसान बात नहीं थी, एंड रशिया उनकी आवाज़ को दबा देता है। और रशिया क्या करता है, जब वहाँ पे जो नेशनल स्ट्रगल होता है उसमें बहुत सारे बिशप्स, क्लर्क्स, क्लर्की जो लोग थे, यानी कि जो चर्चेस वाले लोग थे, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी उनके खिलाफ। तो वो क्या करता है, जो जितने भी बिशप्स होते हैं, पादरी वगैरह होते हैं, उनको उठा के साइबेरिया में बंद कर देता है, साइबेरिया की जेल में। साइबेरिया रशिया का सबसे ठंडा इलाका है, जहाँ पे ऑलमोस्ट -27-28 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से जो पोलिश का जो लोग थे वो डर जाते हैं पोलैंड के, एंड वो जो अपना स्ट्रगल है उसको बंद कर देते हैं। तो इसमें आपने देखा कि कहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग जगी, जब उनकी लैंग्वेज के ऊपर बात आई। तो इसमें सिंबल क्या दिया गया हमारे नेशनलिज्म का? पोलिश लैंग्वेज। ये चीज़ आपके वन मार्क क्वेश्चन में आ सकती है कि इसमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कहाँ से जगी थी? फ्रॉम द लैंग्वेज। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिजल्ट। मैंने इतने छोटे से बॉक्स में बना दिया है ये, क्योंकि ये इस
टॉपिक में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। तो 1830 के अंदर 1830 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी छा गई थी पूरे यूरोप के अंदर। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी एंड लोगों के पास जॉब नहीं थी, इसलिए रूरल एज से अर्बन एरिया में क्या होना शुरू हुआ, माइग्रेशन। जो गांव वाले लोग थे वो अर्बन एरियाज में जाने लगे शहरों में, कि क्या पता उन्हें कुछ काम मिल जाए और रोजी रोटी मिल जाए। और वहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो इंग्लैंड था उसने फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, जो मशीनों से बनते थे, मशीन से बनते थे, ज़्यादा क्वांटिटी में बनते थे, तो वो इसलिए उसको सस्ता बेचता था। तो एट दैट टाइम जो लोग खुद घर पे चीज़ें बना रहे थे, हैंडमेड चीज़ें बनाने वाले जो थे, हैंडीक्राफ्ट वाले, उनकी जो काम था वो बिल्कुल उनके हाथ से चला जाता है और वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स थे वो बहुत सस्ते थे एज कम्पेयर टू द मैन मेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से शुरू हुई रियल प्रॉब्लम। होते होते 1848 में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने लग गई और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई एंड जो पेरिस था वो रोड पे आ जाता है, बिल्कुल फटेहाल हो जाता है हमारा पेरिस। बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। अब पेरिस की जिम्मेदारी किसको दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की? लुइस फिलिपी को। तो पेरिस वाले क्या करते हैं, फ्रांस वाले क्या करते हैं, लुइस फिलिपी को हटा देते हैं, भाई तू नहीं संभाल सकता हमारे को, तू निकल यहाँ से। लुइस फिलिपी को हटा देते हैं एंड बहुत सारे चेंजेस लाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक तो राइट टू वोट दे देते हैं सबको, पहले अबव द एज ऑफ 21 को ही राइट टू वोट था, और वो भी जिनके साथ पास में एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, बंगलो टाइप होगा, उन्हीं को, बंगलो नहीं मतलब घर होगा तब भी, तो उनको राइट टू वोट था। अब सबको राइट टू वोट दे दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या करा, राइट टू वर्क, यानी कि हर एक इंसान के पास काम होना चाहिए, रोटी खाने के पैसे होने चाहिए, उनका अपना जुगाड़ होना चाहिए। उसके बाद तो ये चेंजेस लाया था हमारा फ्रांस, ठीक है। अब आ गया इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर जो इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है वो क्या है, 1845 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, वीवर रेवोल्यूशन। वीवर कौन होते हैं, जो हाथ से कपड़े सिलते हैं ना, फैब्रिक सिलने वाले, उनको वीवर्स कहते हैं। वीवर्स ने रेवोल्यूशन करा, क्यों? क्योंकि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर था उसने उनकी जो वेजेस थी वो एकदम से बहुत कम कर दी थी, सैलरी बहुत कम कर दी, तो बेचारे क्या करते, इसलिए उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करा। ये रेवोल्यूशन उन्होंने कब करा, 4 जून 1845 को, 4 जून 1845 को वीवर्स ने रेवोल्यूशन करा। तो जब उन्होंने रेवोल्यूशन करा तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करा, जब वीवर्स ने रेवोल्यूशन करा तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली को लेके भाग जाते हैं, दे फ्ली अवे। और जो वीवर्स होते हैं वो बेचारे क्या करें, उनके ऊपर जो हमला होता है थ्रू द मिलिट्री एंड उसके अंदर 11 वीवर्स मर जाते हैं। तो जब रिवोल्ट इतना वॉयलेंट हो जाता है तो 11 वीवर्स मर जाते हैं, तो यहाँ पे रिवोल्ट खत्म हो जाता है एंड वीवर्स की डिमांड भी फुलफिल नहीं होती। तो दिस वॉज द हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिजल्ट। तो आपने देखा कितनी मुश्किलों में हमारा जो यूरोप है वो आ गया है, एंड अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे मुश्किलों से बाहर निकला एंड कैसे हम ये अपना चैप्टर जो इतना लेंदी वाला है वो खत्म करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रिवोल्ट ऑफ द लिबरल्स। इसमें हम मेनली जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवोल्ट ऑफ द मिडिल क्लास क्या था, कि नेशन स्टेट बन जाए, वो क्या चाहते थे, एक नेशन स्टेट बन जाए जिसका अपना कल्चर हो, अपनी लैंग्वेज हो एंड अपना ही एक तरीके का सिस्टम हो। दूसरा वो क्या चाहते थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे कंट्री के अंदर लाना। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, फ्री टू एसोसिएशन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का हक होना चाहिए, एंड तीसरी चीज़ के सेंसरशिप ऑन प्रेस हट जानी चाहिए, कि प्रेस जो चाहे वो लिख सकती है, क्रिटिसाइज भी कर सकती है और अप्रेज भी कर सकती है। तो ये डिमांड्स थी। तो जर्मन में एक पॉलिटिकल एसोसिएशन जितनी भी थी वो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास से भरी हुई थी। तो मिडिल क्लास वालों ने सोचा कि अब की बार जो इलेक्शन होंगे उसमें हम वोट देंगे सिर्फ ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को। तो डिसाइड कर लिया कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को हम लोग वोट देंगे। 18 मई 1848 को रिजल्ट आया, और रिजल्ट वाले दिन 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए, यानी कि जो वो उनकी जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी वो जीत जाती है, एंड 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कहाँ पे थी, सेंट पोल चर्च के अंदर थी, ठीक है। और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें जो हेड रहेगा वो मोनार्की रहेगा, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हम बनाएंगे। तो वो मोनार्की के पास गए, उन्होंने ऑफर करी उसको कि ठीक है तुम हमारे मोनार्की बन जाओ और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चलाएंगे। तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो हमारा किंग था उस टाइम का, उसने मना कर दिया। कहाँ का किंग था वो प्रूशिया का किंग था, उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बनना, और वो बाकी मोनार्की के साथ जाके बैठ गया नेशनल असेंबली का विरोध करने के लिए। उसके बाद आपको पता है कि जो पार्लियामेंट बनी थी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की, उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास डोमिनेंट थे। अब इन मिडिल क्लास ने क्या करना शुरू करा, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने जो गरीब
गरीब नहीं बोलना चाहिए, जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, जो नीचे वाले लोग थे, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, उसको इन्होंने क्या करा, उनकी डिमांड्स को सरप्रेस करना शुरू कर दिया। अब जो फार्मर्स वगैरह थे उन्होंने ही सपोर्ट करा था ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को जीतने के लिए, एंड बाद में इन्होंने इनकी डिमांड से मांगनी बंद कर दी। तो जो फार्मर्स वगैरह थे और जो वर्किंग क्लास थी उसने अपना सपोर्ट मिडिल क्लास से वापस ले लिया, और जैसे ही सपोर्ट उन्होंने वापस लिया तो पार्लियामेंट डगमगा गई, एंड वहां पे एंट्री होती है ट्रूप्स की, यानी कि जो मनार्की है वो अपने सोल्जर्स को भेज देते हैं, एंड फिर से नेशनल असेंबली जो थी उसको बंद कर देते हैं, एंड फिर से मोनार्की रूल वहां पे लग जाता है। तो ये जो जितनी मेहनत इन्होंने करी थी नेशनल असेंबली बनाने की वो बिल्कुल बेकार चली जाती है, एंड फिर से मोनार्की आ जाता है। तो 1848 में ऑटोक्रेटिक मोनार्की आ जाती है फिर से जर्मन में, जर्मन एम्पायर में। तो जो ये मोनार्की आते हैं इसमें मोनार्की जो होते हैं वो समझ चुका होता है हमारा मोनार्क कि अब अगर मैं फिर से अपनी वो पुराने टाइप का रूल करूंगा कि किसी को इक्वालिटी नहीं दूंगा, किसी को लॉज नहीं दूंगा, तो लोग अब सहन नहीं करेंगे, फिर से कोई ना कोई रेवोल्यूशन करने लगेंगे। तो जो मोनार्क है वो बहुत सारे चेंजेस लाया, जैसे कि सेल्फ डम को उसने हटा दिया, वही जो जबरदस्ती काम करना पड़ता था लेबर्स को दूसरे बड़े लोगों के घरों में, वो बंद कर दिया। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी उन्होंने बंद कर दी। एंड हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन्होंने हंगरी, हंगरी जो स्टेट थी उसको उसकी ऑटोनॉमी दे दी 1867 में। हंगेरियंस पीपल को उनकी ऑटोनॉमी मिल गई 1867 में कि तुम खुद को रूल कर सकते हो। सो दिस वॉज द कहानी ऑफ यू कैन से जर्मन। तो पहले आपने देखा था कि फ्रांस के अंदर तो सेल्फ डम वगैरह जो था वो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट में ही हट गया था, पर जर्मन में अब जाके 1848 में जाके ये सब जो चीजें थी वो हटी। तो अब की बार मोनार्क थोड़ा समझदार हो गया तो उसने ये सब नहीं करा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो जर्मनी में मैंने आपको बताया फिर से मोनार्क आ गया, तो क्या आपको लग रहा है कि मिडिल क्लास वाले चुपचाप बैठे होंगे? नहीं, मिडिल क्लास वाले चुपचाप नहीं बैठे। मिडिल क्लास वाले ने किसका सपोर्ट लिया? उन्होंने एक सपोर्ट लिया जंकर्स ऑफ पर्शिया एंड ओनर्स, बिग बिग ओनर्स और जंकर्स थे जो पर्शिया के, उसका सपोर्ट ले लिया मिडिल क्लास वालों ने। पहले वो वर्किंग क्लास के सपोर्ट ले लिया था उन्होंने, अब उन्होंने जंकर्स ऑफ पर्शिया एंड उनके बिग बिग ओनर्स का सपोर्ट लिया। और उसका एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मर्क वो आर्किटेक्ट बना, यानी कि उसने कहा ठीक है मैं जिम्मा संभालता हूँ इस काम का कि मोनार्की को अब की बार हमें कैसे हटाना है। ठीक है, तो वहां से लड़ाई शुरू होती है, आर्मी ऑफ प्रुशिया प्लस ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे लोग और मिडिल क्लास इकट्ठे आते हैं। 7 साल तक लड़ाई चलती है, उसमें 3 वॉर होते हैं। किस किस के साथ होते हैं? जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के साथ होते हैं, डेनमार्क के साथ होते हैं, फ्रांस के साथ होते हैं। और जब खत्म होता है तो प्रूशिया जो है, पर्शिया जो है वो जीत जाती है, और जनवरी 1871 में पर्शिया किंग विलियम वन जो है वो जर्मन का एम्परर बन जाता है, यानी जर्मन का किंग बन जाता है। एंड वो सेरेमनी अटेंड करते हैं, यानी कि जश्न मनाते हैं उसका एट द पैलेस ऑफ वर्सेलीज, एंड जर्मन का किंग कौन बन जाता है? विलियम वन। उसके बाद जर्मनी को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। एंड जो ये मोनार्की होता है ये भी काफ़ी अच्छे काम करने की कोशिश करता है, ये करेंसी को मॉडर्न करते हैं, बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाया इन्होंने, और लीगल और जुडिशियल सिस्टम यानी कि जुडिशरी को बढ़ाने का काम इसने विलियम वन ने करा जो प्रूशिया का किंग था। तो आप ये देख रहे हो, आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कहाँ से जर्मनी आ गया, प्रूशिया भी आ गया। तो देखो पहले टाइम पे एम्पायर्स होते थे, कोई एक नेशन स्टेट नहीं थी, ये सारा स्ट्रगल नेशन स्टेट बनने का है। जर्मनी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो जर्मनी का ही एक पार्ट था उस टाइम पे प्रूशिया, अब तो प्रूशिया भी अलग हो गया, वो भी आपको आगे कभी पढ़ने को मिलेगा। तो जो प्रूशिया था उसने हेल्प करी जो जर्मन के लोग थे उसको, जर्मनी को एक पूरा एम्पायर बनाने में। ओके, तो जर्मन के अंदर जो किंग विलियम था उसका रूल लग जाता है, साथ में जो चीफ मिनिस्टर थे ये हमारे ऑटो वन बिस्मार्क, इनका भी कोई ना कोई रोल होता है, और जर्मनी एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कहाँ से ये एम्पायर्स वगैरह आ गए, तो आप अपनी जो मैप है उसमें देखना कि पहले जर्मनी कोई नेशन स्टेट नहीं था। ये वाला जो स्ट्रगल है रिजल्ट ऑफ लिबरल्स, एंड ये जो ये क्वेश्चन है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इसमें हमने पढ़ा कि कैसे नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली हट गई, उसके बाद मोनार्की आया, फिर मिडिल क्लास ने जंकर्स और पर्शिया का सपोर्ट लिया, और फिर से मोनार्की के साथ लड़ाई करी। किस किस के मोनार्की के साथ? ऑस्ट्रिया के, डेनमार्क के, फ्रांस के, एंड एट दी एंड जो जर्मनी था वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, एंड अब जाके बनती है हमारी इंडिपेंडेंट स्टेट जिसका नाम है जर्मनी। तो और पहले जो था हमने जो लास्ट शुरुआत के चैप्टर्स थे उसमें हमने किसका स्ट्रगल पढ़ा था? हमने फ्रांस का स्ट्रगल पढ़ा था, यहाँ हमने किसका स्ट्रगल पढ़ा है? जर्मनी का। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इटली एक स्टेट बना।
तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इटली को किस तरीके से यूनिफिकेशन इटली का हुआ। जैसे कि जर्मनी एक बहुत बड़ा एम्पायर था एंड फिर पर्शिया ने उन्हें हेल्प करी एंड जर्मनी एक नेशन स्टेट बना, वैसे ही इटली भी एक बड़ा सा एम्पायर था जिसमें इटालियन स्पीकिंग जो लोग थे वो बहुत कम थे एंड वो बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो ऐसा क्या हुआ कि जो इटली एक यूनाइटेड नेशन बन गया, उसकी स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो 19th सेंचुरी के अंदर जो इटली था वो 7 हिस्सों में बटा हुआ था एंड उसमें से सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा था जिसमें इटालियन रूलर का इटालियन जो रूल चलता था, यानी कि जो किंग था वहां का वो इटालियन था। उसका नाम क्या था? सार्दिनी पियोडमन। तो आप ये देखोगे आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। तो जैसे कि जो इटली था, मैंने आपको बताया 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो बहुत ज्यादा जो अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी थी इटली के अंदर। जैसे कि जो उसका नॉर्थ का रीजन था उस पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था और जो साउथ का रीजन था उसके अंदर बर्बन किंग ऑफ स्पैनिश रूल करते थे, यानी कि ऊपर ऑस्ट्रियन लोग थे नीचे स्पैनिश लोग थे एंड बीच में रूल था पोप का। तो आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी इटली के अंदर। तो 1830 में मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया होगा, आपको याद होगा गुसेसिपी मेजिनी का नाम, उन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। किस लिए बनाई थी उन्होंने? वो बनाई थी इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए, बट वो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो फेल हो जाती है। उसके बाद एक और लीडर उभर के आते हैं जो थे चीफ मिनिस्टर थे वहां के, उनका नाम था कैवियर, चीफ मिनिस्टर कैवियर। वो मूवमेंट लेड करते हैं इटली को यूनिफाई करने के लिए, उनका साथ देते हैं उसके साथ में गुसेसिपी गार्बी दली। पहले मजीनी आए फिर आए गार्बी दली, गुसेसिपी गार्बी दली एंड गुसेसिपी गार्बी दली का साथ में एक और लोग आए, वो कौन थे? जो वहां के पीजेंट्स थे। तो कैवियर, गार्बी दली एंड पीजेंट्स तीनों ने मिलकर एक मूवमेंट लॉन्च करा इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो 1859 में सार्दिनी पियोडमन और कैवियर तो थे ही, उन्होंने किसको डिफीट कर दिया? ऑस्ट्रियन को, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को उन्होंने अकेले वो करा था। पीजेंट्स 1859 तक ज्वाइन नहीं हुए थे। 1859 में सार्दिनी पियोडमन और कैवियर ने मिलकर, दो लोगों ने मिलकर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को खत्म कर दिया। ठीक है, इसका खात्मा हो गया। अब हमें साउथ में पढ़ना है। जब साउथ में हराना था तो उस टाइम पे 1860 में गार्बी दली के साथ में पीजेंट्स भी आ जाते हैं, तो तीन लोगों का यूनिफिकेशन बन गया। तीन फोर्सेज आ गई थी हमारी, किससे लड़ने के लिए? स्पैनिश एम्पायर से लड़ने के लिए। तो फिर वो उससे लड़े 1860 में एंड स्पैनिश हार गया, बर्बन किंग ऑफ स्पैनिश, और जो इटली था वो 1861 के अंदर यूनाइटेड हो गया। एंड जब इटली यूनाइटेड हुआ तो उनके लीडर कौन बने? विक्टर इमैनुअल टू, तो वो वहां के किंग बन गए। तो आपने देखा किस तरीके से 59 में दो लोगों ने मिलकर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हराया और 60s में इन दोनों के साथ पीजेंट भी आ गए और उन्होंने स्पैनिश किंग को हरा दिया। और आपकी बुक में बताया गया है जैसे ये जो विक्टर इमैनुअल थे, इनका जो वहां पे जो लोग थे जो इनको सपोर्ट करते थे ना, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, ये सब हो गए, वो बिल्कुल इलिटरेट थे। ये स्पैनिश रीजन के ये सब इलिटरेट थे, सिर्फ इटालियंस ही थे जिनमें लिटरेसी लेवल ज्यादा था। तो वो विक्टर इमैनुअल जब ला इटली बोलते थे तो वो समझते थे कि इटालिया उनकी वाइफ है। उन्हें ये भी नहीं पता था इटली कोई कंट्री है या हमारा नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, वो ला इटालिया को उनकी वाइफ का नाम समझते थे। तो इस टाइप की इलिटरेसी भी वहां पे थी। तो विद दिस वी कंप्लीटेड इटली यूनिफाइड। अब हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के साथ क्या क्या हुआ था। तो ब्रिटिशर्स बहुत चालू लोग हैं, ये हम सबको पता है, उन्होंने हमारे यहाँ पे कितने टाइम तक रूल करा, वैसे ही उन्होंने बाकी सारी स्टेट्स के साथ भी बहुत गड़बड़ उन्होंने करी है। तो वो सब हम पढ़ेंगे इन्होंने क्या क्या करा है। ठीक है, तो 19th सेंचुरी तक कोई भी, सॉरी 18th सेंचुरी तक कोई भी ब्रिटिश एम्पायर था ही नहीं। 18वीं सदी तक कोई ब्रिटिश एम्पायर का नामो निशानी नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश की जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने क्या करा, जो वहाँ के मोनार्की थे उनसे पावर छीन ली, एक स्ट्रगल वगैरह हुआ और उनसे पावर छीन ली एंड क्या बना दी इंग्लिश पार्लियामेंट का 1688 में। उससे पहले जो ब्रिटिश आइजल्स मतलब ब्रिटिश का जो रूल था उसमें चार कैटेगरी थी, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या फिर आयरिश। तो चार टाइप के प्राणी वहां रहते थे ब्रिटेन के अंदर जब तक इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर सीज करी थी। उससे पहले जब मोनार्की का रूल था तो इंग्लिश भी रहते थे, वेल्श भी रहते थे, स्कॉट भी रहते थे और आयरिश भी रहते थे। फिर इंग्लिश जो पार्लियामेंट बनी उसने पावर छीन ली मोनार्की से 1688 के अंदर और इंग्लैंड बन गया एक नेशन स्टेट। तब हमारा उभर के आया इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ में उस टाइम पे स्कॉटलैंड भी था और नीचे आयरलैंड भी था।
ठीक है, तो इंग्लैंड वालों ने दिमाग लगाया, मतलब ब्रिटेन वालों ने दिमाग लगाया कि या स्कॉटलैंड को हम अपने अंदर कर लेते हैं, यानी कि हम इसको कब्जा कर लेते हैं। तो वो स्कॉटलैंड को अपनी बातों में फंसा के उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन कराया, एंड उसके थ्रू इंग्लैंड और जो स्कॉटलैंड थे वो इकट्ठे हो जाते हैं, एंड स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही एक पार्ट बन जाता है। तो इसको कहा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम यूके आज की तारीख में कहते हैं। तो यूके जो था उसने सबसे पहले, इंग्लैंड था उसने बड़ी चालाकी से स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, जैसे ही स्कॉटलैंड उनके अंदर आ गया तो इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर जो स्कॉटलैंड में भी थी वहां पे जाके इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो तादाद थी वो ज्यादा हो गई, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, एंड जो स्कॉटिश पीपल थे उनको उन्होंने सरप्रेस कर दिया। तो चुपचाप उन्होंने स्कॉटिश पीपल को साइडलाइन कर दिया, पहले उनसे एक्ट साइन करा लिया, पहले उन्हें सीटें दे दी पार्लियामेंट के अंदर, बट फिर बाद में उनकी सीटें कम होती गई एंड जो ब्रिटिशर्स थे उनका दबदबा ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से चालाकी से इन्होंने स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले लिया, आई मीन उसे मर्ज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा आयरलैंड। अब इनकी नजर आयरलैंड पे भी थी। आयरलैंड में दो कैटेगरी के लोग रहते थे, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, वैसे ही वहां पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रहते थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ना, जैसे हमारे हिंदू मुस्लिम होते हैं ना कुछ होता रहता है हम लोगों के बीच में भी, थोड़ा सा एक होती है रिलीजन के बेसिस पे, वैसे ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भी वहां पे था। तो इंग्लैंड वालों ने क्या करा, प्रोटेस्टेंट को भड़काना शुरू करा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे एंड तुम अपनी एक नेशन स्टेट बना लो, कैथोलिक्स को साइडलाइन कर दो। तो इंग्लैंड और प्रोटेस्टेंट मिल जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स की ही बीच में लड़ाई हो जाती है और बहुत वर्स सिचुएशन हो जाती है। इसकी वजह से, इस लड़ाई की वजह से जो आयरलैंड होता है उसको फोर्सिबली यानी कि जबरदस्ती किसके साथ, इंग्लैंड के साथ मर्ज होना पड़ता है 1801 में। पहले उनकी लड़ाई करवा के उसको अपने अंदर मर्ज करवा लेता है कौन, इंग्लैंड। आयरलैंड वालों की लड़ाई करा के आयरलैंड को खुद में उसने मर्ज करवा लिया इंग्लैंड ने, कब, 1801 में। ठीक है, जब उसने आयरलैंड को अपने अंदर मर्ज करवा लिया उसके बाद भी उसका नाम भी क्या रखा गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से इंग्लैंड तो ब्रिटेन का रीजन था ही, फिर उन्होंने स्कॉटलैंड को भी कर लिया और फिर उन्होंने आयरलैंड को भी कर लिया। सो दिस वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, या फिर आप कह सकते हो कि जो ब्रिटेन ने जो केस करा था वो ऐसे बना, इस तरीके से ब्रिटिशर्स का यूके बन के एंड उसके बाद आके उन्होंने इंडियंस पे भी रूल करा एंड ऑल दैट, वो सब बाद में हुआ। तो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर, एंड अब हमारे लास्ट के दो टॉपिक बचे जिसमें हम सिर्फ नेशनलिज्म के बारे में तीन चार बातें और पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो देखो, विजुअलाइजिंग द नेशन में क्या होता है कि 18th-19th century में जितने आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो एक टाइप की एक तरकीब निकालते हैं लोगों के मन में नेशनलिज्म फीलिंग जगाने के लिए, जिसका नाम था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आपने इंग्लिश में पोइटिक डिवाइसेस में भी पढ़ा होगा, पर्सोनिफिकेशन वो होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो जीवित नहीं है उस चीज़ के अंदर ह्यूमन कैरेक्टर्स को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आप मून को ब्यूटी से एसोसिएट करते हो, ये सब चीज़ें, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग थिंग को जब हम ह्यूमन कैरेक्टर्स देते हैं तो उसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो इसी तरीके से पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ, एंड जो पर्सोनिफिकेशन जो यूज़ होती थी वो होती थी एक फीमेल फिगर के टाइप में। फीमेल फिगर क्यों ली जाती थी, क्योंकि आप सबको जैसे भारत माता की जो हमने पिक्चर देखते हैं वो भी क्या है, फीमेल फिगर ली गई है। तो जब फीमेल फिगर को एज अ पर्सोनिफिकेशन लिया गया तो उस चीज़ को बोला गया हमने एलिगोरी। क्या बोलते हैं हम उसे, एलिगोरी। जैसे आपने देखा होगा कि अवार्ड नाइट्स में जब लोगों को अवार्ड मिलते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा, जैसे आईफा का अवार्ड होता है उसमें भी एक लेडी होती है, स्टैचू बना होता है, तो दिस इज एलिगोरी। वो किसी अवार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज एलिगोरी, कि वुमेन फिगर जब रिप्रेजेंट हो रही है तो उस चीज़ को हम एलिगोरी कहते हैं। एलिगोरी बहुत सारे आइडियाज दिखाती है, जैसे कि जस्टिस। जस्टिस कैसे दिखाते हैं, रेड कैप से। रेड कैप मतलब कि बिल्कुल फ्री है, जस्ट है सोसाइटी। ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन मतलब क्या हो गया कि कोई भी चेन्स के अंदर नहीं है, कोई मोनार्की हमें तंग नहीं करे, वी आर फ्री। जस्टिस आपको पता है कि वो तराजू लेकर हाथ में, जो हमारे जुडिशरी में लगा होता है सुप्रीम कोर्ट में, आंखों पे ब्लैक पट्टी बंधी होती है, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने कभी नहीं सोचा उसमें कोई आदमी क्यों नहीं खड़ा है ऐसे पकड़ के, लेडी ही क्यों खड़ी है, क्योंकि वो एक एलिगोरी है। और रिपब्लिक के लिए भी बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो देश की पावर है वो सिटीजन्स के हाथ में, कोई मोनार्की रूल नहीं कर रहा है। सो दीज आर द सिंबल्स।
इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि फ्रांस की जो एलेगोरी थी, जो फ्रांस की फीमेल फिगर थी जिनको वो रिप्रेजेंट करती थी नेशनलिज्म से, उनका नाम था मैरियन, उसको क्या कहते हैं मैरियन, और जर्मनी की जो थी उसको कहते थे जर्मेनिया। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस की थी मैरियन और जर्मनी की थी जर्मेनिया। सो यही था आपका विजुअलाइजिंग द नेशन। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो अब आ गए हम अपने आखिरी टॉपिक पे जिसका नाम है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, अपनी कंट्री की देशभक्ति वाली फीलिंग जानना एंड अपने लिए नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ाई लड़ना, ये सब चीजें क्या होती है हमारी नेशनलिज्म। बट सेकेंड चीज जो है इम्पीरियलिज्म, वो मैं आपको भी बताऊंगी। तो जैसे ही हमारी स्टोरी शुरू होगी इस टॉपिक की, उसमें आपको बलकान रीजन के बारे में बताया गया है। जो बलकान रीजन है वो आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मॉडर्न टाइम्स की कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो बलकान रीजन में आती हैं। जैसे कि पुराने जमाने में वो बलकान रीजन था, फिर छोटी छोटी स्टेट्स कटती गई, कंट्रीज कटती गई और अलग अलग कंट्री में बन गई, जैसे कि रोमानिया, ग्रीस और एल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोटाइया, बॉस्निया और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं जिनको आप देख सकते हो वो पहले बलकान रीजन में आती थी। बलकान रीजन के अंदर टेंशन्स क्रिएट होने लग गई 1871 से, एंड टेंशन्स के बाद क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सर्बिया और मॉन्टेग्रो जो रीजन था बलकान का, वहाँ पे मेनली स्लेव्स रहते थे, यानी कि जो जिनको पकड़ के जबरदस्ती रख लिया जाता था, वहाँ पे स्लेव्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, गुलामों की, ठीक है। तो ये बलकान रीजन तो था, उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो था वो ऑटोमन एम्पायर के रूल में था। ऑटोमन एम्पायर मैंने आपको बताया था ग्रीक रेवोल्यूशन में उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से उन्होंने अपने आप को अलग कराया था, ये उसी टाइम की बात आपकी हो रही है, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर के जो वो था रूलरशिप में बलकान रीजन की भी बहुत सारी कंट्रीज आती थी, ठीक है। तो बलकान रीजन के अंदर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स लॉन्च होने लगे, एक के बारे में हमने पढ़ा हुआ है जो ग्रीक का है, बाकियों के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। बट हर जगह पे हर एक स्टेट के अंदर ये रोमानिया, ग्रीस, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोटाइया, बॉस्निया और भी जो जितनी है, यहाँ के अंदर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की अब हमें अपनी अलग कंट्री बनानी है, अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से चलना है, हमें किसी बलकान रीजन में नहीं रहना, ना ही हमें किसी ऑटोमन के रूल में रहना है, ठीक है। तो यहाँ से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारा शुरू होता है। एंड ये जितनी भी जो स्टेट्स थी ये बहुत प्रॉस्परस थी, एंड एट द सेम टाइम ये जो थी एक दूसरे से जेलस होती थी। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ऑल द स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर, एंड सब क्या चाहती थी कि एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर ले, जैसे कि अपनी टेरिटरी पर आ रहे। ग्रीस क्या चाहता था कि वो मैसेडोनिया पे कब्जा कर ले और मैसेडोनिया को अपनी टेरिटरी में मर्ज कर ले। तो इस तरीके से हर जो स्टेट थी वो एक दूसरे को मर्ज करना चाहती थी, क्यों, क्योंकि अपनी जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास टेरिटरी होगी उतने पावरफुल तुम होगे, तो अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहते थे। एंड एक के बाद एक जो ये जो था पूरा बलकान रीजन वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ता चला गया, एंड जो ऑटोमन एम्पायर था वो ख़त्म हो जाता है, एंड ये सारी कंट्री जो है वो एक सेपरेट स्टेट यानी कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। एंड ये जो जितनी भी प्रॉब्लम हो रही थी बलकान के अंदर, यहाँ तो हमने बड़ी इजी लैंग्वेज में पढ़ लिया ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बट वहाँ पे बहुत स्ट्रगल हो रहा था, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, वॉर्स होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई बलकान रीजन में, उसको अटेंशन गेन करा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए कौन, रशियंस भी, जर्मनी भी, इंग्लैंड भी और ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। इनका अट्रैक्ट होने का क्या मतलब था, ये अट्रैक्ट होने लगे कि अब ये जो कंट्री है वो अनस्टेबल सी है, तो जाके हम इस पे अपना रूल कर लेते हैं। हमेशा वर्ल्ड के अंदर यही होता है, अगर किसी कोई कंट्री जो है वो अनस्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही होती है, वॉर्स हो रहे होते हैं, तो हमेशा जो बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं जैसे रशिया, जर्मनी उस टाइम की थी, उनका ऐसी नज़र होती है कि जाके हम उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको पता होगा कि जब इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। तो यही एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है, जब बड़ी बड़ी पावर्स जो होती है वो मिलिट्री के दम पर किसी दूसरे देश के अंदर कब्जा करती हैं, उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। तो इसके जो प्रॉब्लम थी उसको अट्रैक्ट किसने करा, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। ये सब क्या चाहते थे, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ये चाहते थे कि हम बलकान रीजन को कंट्रोल कर ले, एंड आपस में ये चारों भी भिड़ पड़े, एंड इसकी वजह से हुआ था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और भी बहुत सारे वॉर्स हुए, तो इन सब की वजह से हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, एंड बलकान रीजन की प्रॉब्लम हमने इसीलिए पड़ी है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इंस्टेबिलिटी की वजह से चार लोग आपस में लड़ लिए एंड हमारा वर्ल्ड वॉर भी हो गया। उस टाइम पे नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म एक साथ मर्ज होने लगे, अलाइन होने लगे एक दूसरे से यूरोप के अंदर, एंड 1914 में इसकी वजह से यूरोप में डिजास्टर आने लग गया, यानी कि बहुत ही
प्रॉब्लमेटिक सी सिचुएशन बन गई थी। इंपीरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे यूरोप के अंदर। इंपीरियलिज्म मतलब क्या है? एक्सटेंडिंग ऑफ पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री की यूज करके दूसरे देश पे कब्जा करना, अपनी पावर्स को एक्सटेंड करना विद द यूज ऑफ मिलिट्री इज इंपीरियलिज्म। और उस टाइम पे काफी सारे जो कंट्रीज थी वो कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दे रही थी, जैसे कि कॉलोनीज बना लेती थी यूरोपियन कंट्रीज। एग्जाम्पल आपके पास बहुत अच्छा है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी अपनी बना लिया था, तो जितनी भी कॉलोनाइज कंट्रीज थी उन्होंने अपना स्ट्रगल लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था एंटी इंपीरियल मूवमेंट या फिर एंटी कॉलोनाइजेशन भी कह सकते हो, और डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट। कब शुरू हुआ ये? 19th सेंचुरी में, जब लोग मॉडर्नाइज हो गए, उन्होंने कहा नहीं भैया हमें तुम नहीं चाहिए, हमारे पास अपनी इतनी पावर है कि हम अपनी कंट्री को संभाल सकते हैं। जैसे हमने कहा ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो, तो दैट वॉज अ एंटी इंपीरियल मूवमेंट, हमें किसी इंपीरियल पावर की जरूरत नहीं है, हमारे को रूल करने के लिए हम केपेबल हैं। तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हुए 19th सेंचुरी में। एंड एंटी इंपीरियल मूवमेंट कैसे शुरू हुए? जब नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हुआ। आपने नेक्स्ट आफ्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ोगे, जब इंडियंस के अंदर फीलिंग आई कि हम अपने देश के प्रति प्यार जगह उनका यूनिटी आई, तब जाके जो इंडिया था वो फाइनली आजाद हो गया। एंड ईच वॉन्टेड टू मेक अ नेशन स्टेट। ऑब्वियसली सी बात है, जितनी भी कॉलोनाइज कंट्रीज थी सबको अलग होना था और अपनी नेशन स्टेट बनाता था। वैसे ही साउथ अफ्रीका में भी स्ट्रगल लॉन्च हुआ, उन्होंने भी अपनी नेशन स्टेट बनाई। तो हर कंट्री में कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में जो भी कॉलोनाइज्ड कंट्री थी वहाँ पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसमें आपकी दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट थे, एक इंपीरियलिज्म मतलब एक्सटेंडिंग ऑफ पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री, एंड दूसरा नेशनलिज्म, जिसका मतलब आपको पता है बहुत अच्छे से। तो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर, एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्ट वन का। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। एंड शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।